अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं आप सब लोग वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल आज की वीडियो में हमारे किचन में बनने वाला है। बहुत ही लजीज़ और जायकेदार सबका मन पसंदीदा बीफ यखनी पुलाव बनाने में बेहद आसान है लेकिन फिर भी एक्स्ट्रा लोगों से कुछ गलतियाँ हो जाती हैं जिसकी वजह से पुलाव में वो टेस्ट नहीं आता लेकिन आज की ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों के कोई भी गलती नहीं होगी बहुत ही परफेक्ट ये रेसिपी है यकीन करें खाने वाले खाते रह जाएंगे बार बार मांग मांग कर खाएंगे हाथ नहीं रोक पाएंगे अपना खाने से और उंगलियाँ चाटते रह जाएंगे इतनी ये ऐकेदार रेसिपी होगी तो बस बना

बारह से पंद्रह जो भी हमने लहसुन के लिए और दो से तीन टुकड़े अदरक के लिए ये डाल देते हैं और इसके बाद इसमें कुछ कड़े मसाले डालेंगे तो ये हमने यहाँ पर लिया वन टेबल स्पून सौफ और वन टेबल स्पून साबित धनिया लिया और इसके अलावा वन टेबल स्पून ये हमने यहाँ पर साबुत मिक्स गर्म मसाला लिया जो कि हम इसमें डाल रहे हैं नमक यहाँ पर मैं इसमें वन टी स्पून शामिल कर रही हूँ नमक आप लोग टोटली अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें डाल लें और अब हम इसमें यखने के लिए डाल देंगे पानी तो ये यखनी का काम देखिए यखनी के बस यही सिंपल से इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि हमने इसमें शामिल कर दिए चार गिलास में इसमें पानी डाल रही हूँ और बस दैट्स इट ये इंग्रेडिएंट्स हैं एक बार बस हल्का सा मिक्स कर लेते हैं और फिर हम यहाँ पर वेट लगा देंगे और वेट लगा कर इतना पकाएँगे कि हमारी अच्छी सी जायकेदार यखनी बनकर तैयार हो जाए और ये जो बीफ है वो भी अच्छे से टेंडर हो जाए तो बीफ आप लोगों ने जब भी यखनी पुलाव बनाना है इसमें सारा बोनलेस नहीं लेना तो कुछ हड्डी के साथ भी आप लोगों ने लेना यानी कि बोन के साथ उससे ही हमारी मज़ेदार यखनी बनेगी और जब यखनी में अच्छा टेस्ट आएगा तभी हमारे प्लाव में अच्छा टेस्ट आएगा तो आप लोगों ने इस बात का ध्यान रखना है सारा साफ गोष्ठ नहीं लेना अब देखिए यहाँ पर माशाला से हमारी यखनी बनकर तैयार हो चुकी है प्लाव के लिए तो अब यहाँ पर मैं पहले एक बार मिक्स कर लेती हूँ आप लोगों को दिखा देती हूँ बीफ बहुत अच्छे से टेंडर हो चुका है देखिए बहुत ही जूसी हो चुकी है बोटी तो अब हमने इसमें से सारा ये जो बीफ है अपना निकाल लेना है एक सेपरेट प्लेट में और जो यखनी है उसको भी हम एक सेपरेट बाउल में निकाल देंगे और ये जो इसमें कुछ कड़े मसाले नज़र आ रहे हैं दूसरी चीज़ें इनको हम निकाल देंगे यखनी में से और अपना एक यखनी का अच्छा सा टेक्स्चर ले लेंगे जो कि हम अपनी रेसिपी में आगे इस्तेमाल करेंगे इस यखनी को आपने वेस्ट नहीं करना नहीं तो अक्सर लोग क्या करते हैं यखनी को यूज़ नहीं करते प्लाओ में जिसकी वजह से टेस्ट नहीं आता लेकिन यकीन करें जब आप ये यखनी डालेंगे ना प्लाव में तो जो टेस्ट आने वाला है ना यकीन करें आलू को यकीन ही नहीं आने वाला कि आप लोगों ने घर में बनाया बहुत ही टेस्टी बनेगा एक कप मैंने यहाँ पर ऑयल डाल दिया है तीन अदद प्याज शामिल कर दिए हैं स्लाइस में कट की हुई और अब मिक्स कर लेंगे यहाँ पर और प्याज को कर लेंगे फ्राई तो अब हम अपना सिंपल सा यहाँ पर प्रोसीजर स्टार्ट करें पुलाव बनाने का ये बेहद आसान है इसमें जैसे हम देखें बिरयानी में बहुत से मसाले जाते हैं लेकिन ये जो यखनी पुलाव की रेसिपी है इसमें आप लोगों को सिर्फ नमक और ब्लैक पेपर डालनी है दैट्स इट मसालों में इसमें और कुछ नहीं जाने वाला अब ये यह देखिए यहाँ पर प्याज माशाल्लाह से फ्राई हो चुकी है वन टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है फ्रेश लिया ये हम इसमें डाल देंगे अच्छे से मिक्स करेंगे और एक से दो मिनट तक भून लेंगे ताकि लहसुन अदरक का पेस्ट का कच्चापन खत्म हो जाए नहीं तो अगर यहाँ पर हम अच्छे से नहीं भूनते तो लहसुन अदरक कच्चा रह जाता है और फिर बाद में वो इतना मज़े का नहीं लगता अब देखिए यहाँ पर साथ ही जैसी लहसन जैसे पेस्ट की बनाई हो जाएगी हमने इसमें शामिल कर देना जो मैं अपना यखनी से सेपरेट किया है बीफ ये डाल देंगे बीफ चूंकि अच्छे से टेंडर हुआ हुआ है तो आप लोगों ने यहाँ पर चम्मच देख चलाना है अब यहाँ पर देखें अच्छे से मिक्स कर लिया अब साथ ही हम इसमें डाल देंगे साबित गरम मसाला मैं इसमें और शामिल कर रही हूँ ये वन टेबल स्पून लिया ये इसमें डाल दूंगी और अब अच्छे से मिक्स करते हुए हमने बीफ की बुनाई करनी है दो से तीन मिनट तक तो अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है जो कि अभी तक का सिंपल सिंपल सा काम था तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को भी अब सब्सक्राइब कर लें देखिए ये इतनी सिंपल रेसिपी है ना और यकीन करें बीफ पुलाव हर किसी को पसंद होता है साब का खाने का दिल करता है टेस्टी पुलाव बनाओ लेकिन अगर कभी टेस्टी नहीं बनता तो फिर मज़ा नहीं आता ना तो इसलिए आप लोगों ने इसे अच्छे से देखना अब यहाँ पर दो अद हमने इसमें रफली चॉप टमाटर डाल दिए हैं आठ से दस अदद हरी मिर्चें और वन टी मैंने इसमें नमक डाल दिया है नमक आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें शामिल कर लें क्योंकि हमने यखनी में भी डाला हुआ है तो आप लोग ने देख के डालना है और अब देखिए यहाँ पर अच्छे से मिक्स कर लिया तो बस अब हमने इतना पकाना है कि जो टमाटर हमने इसमें डाले हैं अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं बीफ के साथ इतनी बुनाई करेंगे और फिर आगे का काम करेंगे लीजिए यहाँ पर देखिए अच्छी से बुनाई हो चुकी है थ्री टेबल मैंने दही लिया है ये मैं इसमें शामिल कर दूँ कि फ्लेम को लो कर लिया दही डालते वक्त अब अच्छे से मिक्स करेंगे और यहाँ पर अच्छे से मिक्स करते हुए भुनाई करेंगे जब तक करेंगे जब तक के दही का पानी ड्राई हो जाए तो इससे पहले भी मैंने आप लोगों के साथ चिकन पुलाव की तो ढेर सारी रेसिपीज शेयर की हुई हैं चिकन बिरयानी की रेसिपीज भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगी और इसके अलावा बीफ पुलाव की रेसिपी भी शेयर की हुई है मैंने ऑलरेडी जो कि मैं एंड स्क्रीन पर दे दूंगी आप लोग देख सकते हैं ईजिली और ये देखिए यहाँ पर आप अच्छे से मिक्स कर दिया खुशबू माशाला से बहुत ही मज़ेदार आ रही है तो देखिए यहाँ पर दही का पानी ड्राई हो चुका है अब हम इसमें शामिल कर देंगे यखनी तो जितनी हमारी यखनी निकली है ये हम सारी इसमें डाल देंगे और यहाँ पर अब आप लोगों ने एक बात का ध्यान रखना है ये मैंने इसमें यखनी डाल दी है एक बार मिक्स कर दी और इसके साथ ही मैं इसमें थोड़ा सा पानी भी शामिल करूँगी तो आप लोगों ने भी इस बात का ध्यान रखना है जितने चावल लिए हैं पहले तो हमारी जितनी यखनी होगी वो हम इसमें शामिल कर देंगे और बाद में जो पानी कम रह जाएगा हमने सिर्फ उतना पानी इसमें सादा शामिल करना है ऐसा नहीं करेंगे कि यखनी भी सारी डाल दें और फिर चावलों के हिसाब से पानी भी डाल देंगे उतना ही ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे जितनी यखनी निकलेगी आप लोगों ने मेजरमेंट कर लेनी है चावलों के हिसाब से उतनी यखनी डाल के बाकी का पानी डाल देंगे और इसी तरह से दोनों के मेजरमेंट एक साथ करनी है तो इस बात का ध्यान रखना है और अब देखिए यहाँ पर यखनी हमने डाल दी पानी भी डाल दिया बॉयल आ चुका है अब हम चावल डाल देंगे ये मैंने दो गिलास चावल लिए हैं जिनको पहले भी गो के रख दिया था अब एक बार मिक्स कर लेंगे और इतना अब यहाँ पर हमने इसे रख देना है ताकि पानी ड्राई हो जाए दम वाली सिचुएशन आ जाए फिर चावलों को दम पे रख देंगे तो आप लोगों में से कौन कौन बीफ प्लाव खाने का शौकीन है कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर से बताइएगा अब देखिए यहाँ पर माशाल्लाह से पानी काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है अब हमने इसमें शामिल करनी है अपनी ब्लैक पेपर तो ब्लैक पेपर हम पहले नहीं डालेंगे नहीं तो अगर पहले डाल देंगे तो इससे प्लाव का कलर ख़राब हो जाएगा इस स्टेज पे हम इसमें डालेंगे मैंने एक चम्मच डाली है और इतनी डालेंगे आप लोग और डालना चाहते हैं थोड़ी तो शामिल कर सकते हैं अब बस हमने दम पे रखना है चावलों को 12 से 15 मिनट तक दम पे रखेंगे और फिर हमारा माशाल्लाह से बहुत ही खुशबूदार और लजीज़ पुलाव बनकर तैयार हो जाएगा बहुत ही खिला खिला पुलाव है जो कि आप लोगों को स्टार्टिंग में मैंने दिखाया नज़र आ रहा होगा ये देखिए माशाल्लाह सुभान अल्लाह बेहतरीन हमारा बहुत ही जायकेदार बीफ पुलाव बनकर तैयार हो चुका है कवर हटाया तो यकीन करें इतनी बेहतरीन खुशबू आई है कि बस अब मुझसे सबर नहीं हो रहा हमारे घर में सब बहुत ही शौक से खाते हैं तो आप लोगों के घर में अगर कोई शौक से खाता है बहुत पसंद करता है तो आप लोग ये रेसिपी ज़रूर से बनाइएगा उनकी तो ईद हो जाएगी अब देखिए यहाँ पर बस मिक्स कर लिया अच्छे से जो बीफ है इसका वो भी बहुत ही जूसी और अच्छे से टेंडर हो चुका है अब बस डिश आउट करेंगे और आपसे इसकी फाइनल लुक शेयर करेंगे लिजोर इस जो है माशादिल्ला बहुत ही बेहतरीन लजीज़ और जायकेदार हमारा बीफ यखनी पुलाव बनकर तैयार हो चुका है देख कर ही देखें दे, देखे, मुँह में पानी आ रहा है तो अगर आज से पहले आप लोगों ने सिंपल सी रेसिपी नहीं ट्राई की इसको ज़रूर से ट्राई कीजिएगा जैसे जैसे मैंने बताया वैसे वैसे करते जाए रेसिपी अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर दें फ्रेंड्स एंड दे, फैमिली मैं साथ भी शेयर कर दिया करें और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें यहाँ पर आप लोगों को साइड पर नज़र आ रही होगी यखनी पुलाव की रेसिपी आप वो भी बना सकते हैं तो दोनों रेसिपीज़ को ट्राई करें नेक्स्ट में आपसे मिलते हैं तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए अल्लाह हाफिज़